नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आप शोभना यादव और भारत की बात की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इस समय किस तरीके का सियासी माहौल है। पाकिस्तान में इमरान खान को अब 3 दिनों की मोहलत मिली है। पाकिस्तान में 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। संसद की कार्यवाही 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गई है। जबरदस्त हंगामा हुआ संसद में। गो इमरान गो, आप ये नारे सुन सकते हैं। और इसी को लेकर विपक्ष ने जो हंगामा किया उसके चलते स्थगित किया गया संसद को। और अब 3 अप्रैल को मतदान होगा। और ये देखिए बात की हलचल पर जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। संसद की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। नारेबाजी आप सुन सकते हैं। विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, चर्चा छोड़िए, नारेबाजी शुरू हो गई। गो इमरान गो के नारे वहां लगने लगे। विपक्ष लामबंद इमरान सरकार के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। और 3 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है संसद को। और 3 अप्रैल को यह मतदान होगा। इमरान का भारत पर भी साजिश रचने का आरोप लगा है। अब ये समझ के परे है कि भारत का इस व्यवस्था से क्या लेना देना। इनके यहाँ तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति अपना टर्म पूरा ही नहीं कर पाता है। सेना और ISI जो है वो देश की सत्ता को चलाती है। और इस तरीके का आरोप भारत के ऊपर। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 68 घंटे 56 मिनट का समय है। 3 अप्रैल को मतदान होना है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो हो नहीं पाई। नारेबाजी आप देख सकते हैं। गो इमरान गो के नारे लगाता हुआ विपक्ष सुना जा सकता है इनको। पूरा विपक्ष लामबंद है। 199 सांसद विपक्ष के एकजुट हैं। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है मेहमानों का। मेरे साथ SG मुनी साहब, पूर्व राजनयिक के वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। विवेक काटजू साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। KK सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आपको आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गई हैं। आरजू, में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, चर्चा छोड़िए, नारेबाजी शुरू हो गई। इमरान खान नदारद वहां से, अब क्या सीधे मतदान होगा 3 अप्रैल को? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट होगी संडे को। और हो सकता है कि संडे को अपोजिशन कोशिश करे कि वोटिंग भी हो जाए, क्योंकि आज काफी अपोजिशन अपसेट है। तो इन्होंने 1 घंटे देर से स्टार्ट किया था सेशन और जल्दी ही खत्म कर दिया। और लग यही रहा है, जो कि हामिद मीर साहब हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी मेंशन किया अपने ट्विटर पे, लग रहा है पहले से प्लान था कि इसी तरह से चलेंगे और आज नहीं होने देंगे कोई भी काम। तो यही लग रहा है। और काफी शोर अभी भी मचा हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही है अपोजिशन की। ठीक है आरजू, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, अब जो इस समय जो परिस्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है उससे ये तो साफ है कि इमरान खान की सत्ता बचती हुई, उनकी सरकार बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या विकल्प आप देख रहे हैं? क्या चुनाव की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान? ये तो मुश्किल लग रहा है। वैसे होना तो यही चाहिए कि इमरान खान साहब जो है वो रिजाइन कर दें और उसके बाद जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। लग यही रहा है कि वोटिंग होगी, उसके बाद ही उनको हटाया जाएगा और फिर कुछ टाइम के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो उसमें कि शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है। और उसके बाद ही कुछ और होगा, जब 1.5 साल उनकी गवर्नमेंट रहेगी उसके बाद जो प्रॉपर इलेक्शंस जैसे होते हैं उसकी तरफ जाएंगे। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अभी 1 से 1.5 साल है, किसी और को प्रधानमंत्री, किसी और को मौका दिया जाएगा, यानी सेना जिसको चाहेगी जाहिर सी बात है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद फिर 1.5 साल बाद चुनाव होगा, ये आप कह रही हैं? अभी लग ऐसा ही रहा है, लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद जो है वो रिजाइन कर देते हैं और साथ ही असेंबली डिसॉल्व करने की बात करते हैं तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो यही लग रहा है कि जो अभी अपोजिशन में बात हो रही है वो यही हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब को सामने लाया जाए और इमरान खान साहब को रिप्लेस करके 1.5 साल जो रह गया वो गुजारा जाए और उसके बाद इलेक्शंस किए जाए। आप बहुत जानी मानी पत्रकार हैं पाकिस्तान की, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या सेना जो है वो शहबाज साहब के साथ है इमरान खान के जो सेफ एग्जिट की, या कहा जाए कि एक मतलब इज्जतदार तरीके से उनकी निकासी की जो कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है, क्या इस तरह का कुछ आप हो पाएगा? सेना क्या चाहती है? मैं ये सवाल है मेरा आपसे।
जहां तक स्टैब्लिशमेंट की बात है तो ऑब्वियसली स्टैब्लिशमेंट अब मजीद इमरान खान साहब को नहीं चाहती, इसीलिए वो अलग हट भी गए हैं। और ये आज की बात नहीं है, 2-2.5 साल पहले भी यही हुआ था कि हमें यही पता लगा था कि खान साहब के बैग पैक हो गए, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और उस वजह से शायद उनको कुछ टाइम और मिल गया। ठीक है, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि उनको हटाया ही। बिल्कुल ठीक है आरजू, एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर पाकिस्तान से यही है कि 7:45 यानी भारतीय वक्त 7:45 उसके हिसाब से जो पाकिस्तान की आवाम है उसको संबोधित कर सकते हैं इमरान खान। उनको कल भी संबोधित करना था लेकिन उनसे सेना प्रमुख बाजवा मिलने पहुंच गए और उसके बाद उस संबोधन को टाल दिया गया। अब भारतीय समय के मुताबिक 7:45 पर इमरान खान अपने देश को संबोधित कर सकते हैं। क्या लग रहा है आरजू, क्या इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ेंगे इमरान? लग यही रहा है कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे अभी तक जो उनका रिकॉर्ड रहा है, बल्कि उनका क्या किसी भी प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड रहा है, रेजिग्नेशन बहुत कम हुआ है ऐसा कि कोई आया हो। यही लग रहा है कि वो जैसे ही हमेशा ही वो बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने इतने साल में टीम बनाई है, जो कुछ बातें वो पहले करते रहे वही दोबारा दोहराएंगे और पब्लिक को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है काजू साहब, जिस तरीके के हालात इस समय पाकिस्तान में बने हुए हैं, विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी लेकिन अजब गजब व्यवस्था है, चर्चा हुई नहीं, नारेबाजी हुई और अब 3 तारीख तक स्थगित और अब सीधे मतदान होगा। क्या क्या लग रहा है अब, क्या अगला कदम हो सकता है पाकिस्तान में, आपका क्या आकलन? देखिए मुझे लगता है कि इन 72 घंटों में फौज पूरी कोशिश करेगी कि जो राजनीतिक संकट पाकिस्तान में है आज, उसका कुछ समाधान निकल पाए, क्योंकि ऐसे जो हालात चल रहे हैं वो पाकिस्तान में और अस्थिरता फैलाएंगे। लेकिन 3 तारीख को क्या होगा ये और उसका समय क्या होगा, इस पर मेरे मन में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और रमजान में कब संसद वहां बैठेगी, हाँ। शायद आरजू जी हमें बता पाए। बिल्कुल ठीक है, और मैं सेना साहब और मुनी साहब आपका भी रुख करूंगी। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे इस बड़ी खबर पर, हमारी नजर बनी हुई है 7:45 इमरान खान का हो सकता है संबोधन। समय की बड़ी खबर यही है कि लगभग आधे घंटे बाद इमरान खान अपने देश को संबोधित करेंगे। कल भी यही खबर आई थी लेकिन उसके बाद सेना प्रमुख बाजवा उनके घर मुलाकात करने पहुंचे थे इमरान खान के, और उसके बाद इस संबोधन को टाल दिया गया था। अब खबर ये आ रही है कि भारतीय समय के मुताबिक 7:45 इमरान खान अपने देश को संबोधित कर सकते हैं। अब वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये एक बड़ा सवाल। हालांकि जो भी लोग उन्हें जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उधर विपक्ष कह रहा है कि हमें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी, वो बहस हुई नहीं, हो हल्ले हंगामे के चलते संसद को स्थगित कर दिया गया। 7:45 इमरान खान का संबोधन होगा और लाइव होगा ये भाषण। ये बड़ी खबर है कि इमरान खान का ये भाषण जो है वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, क्योंकि कल खबर जो हमें मिली थी उसमें था कि वो अपने भाषण को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब 7:45 पर ये भाषण शुरू होगा और ये लाइव भाषण होगा। बड़ी खबर इस समय की। ABP News आपको रखे आगे।